सुप्रभातम। आज हम हमारा प्रिया पुत्री नामक पाठ का अभ्यास कार्य जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था, आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, शब्द रूपाणी पूर्य। शेष अभ्यास कार्य पाठ 11 प्रिया पुत्री शेष अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 2-3 शब्द रूपाणी शब्द रूपाणी पूर्य पूर्य शब्द है मूल शब्द स्त्रीलिंगम स्त्रीलिंगम पुल्लिंगम सॉरी स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द और एकवचनम द्विवचनम और बहुवचनम एकवचन द्विवचन और बहुवचन के शब्द हमको यहां पर लिखने। शब्द है हमारा नदी, मूल शब्द क्या है नदी। प्रथमा विभक्ति पूछी है इसके अंदर, प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगा नदी एकवचन और द्विवचन इसके अंदर दिया हुआ है नद्यऊ नद्यऊ और नद्य। नदी शब्द है प्रथमा विभक्ति नदी नद्यऊ और नद्य, ठीक है नदी नद्यऊ नद्य। अगला शब्द है हमारा जननी जननी शब्द है और इसके अंदर द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति का बहुवचन दे रखा है जननीम एकवचन जननीम द्विवचन जनन्यऊ जनन्यऊ और बहुवचन जननी। जननीम द्वितीय जननी शब्द द्वितीय विभक्ति जननीम जनन्यऊ जननी, ठीक है। अगला है हमारा नारी नारी शब्द है और तृतीय विभक्ति पूछी गई है इसके अंदर तृतीय विभक्ति एक वचन में है नारिया नारिया
नारीभ्याम नारिया नारीभ्याम और नारी भी नारी भी नारी प्रत्यभक्ति नारिया नारीभ्याम नारी भी। अगला है हमारा स्त्री शब्द स्त्री चतुर्थी विभक्ति पूछी गई है इसके अंदर चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में स्त्रियई स्त्रियई और स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्याम और स्त्रीभ्य स्त्रीभ्य। अगला है दात्री शब्द क्या है दात्री और पंचमी विभक्ति दात्री शब्द पंचमी विभक्ति दात्रियः दात्रियः दात्रीभ्याम दात्रीभ्याम और दात्रीभ्य दात्रीभ्य। अगला है हमारा कर्त्री कर्त्री शब्द है और षष्ठी विभक्ति एक वचन कर्त्र्या एक वचन कर्त्र्या द्विवचन कर्त्रियोः कर्त्रियोः और बहुवचन कर्त्री नाम कर्त्री नाम। ठीक है एक बात फिर देखिए मूल शब्द कर्त्री षष्ठी विभक्ति एक वचन कर्त्रियः द्विवचन कर्त्रियौ और बहुवचन कर्त्री नाम। अगला है हमारा महती अगला शब्द है महती और सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति महत्याम महत्याम एक वचन महत्यो द्विवचन और बहुवचन महती तो महती सु महती सु। ठीक है महती शब्द सप्तमी विभक्ति महत्याम एक वचन महत्यौ द्विवचन और महती सु बहुवचन। ठीक है अगला है हमारा एक पदीन उत्तर अगला प्रश्न है एक पद में उत्तर दो एक पदीन उत्तर एक पदीन उत्तर पहला प्रश्न है हमारा क्या कहता है कश्या विविध रूपाणी संति पहला कश्या विविध रूपाणी विविध
रूपाणी सन्ति। कश्या विविध रूपाणी सन्ति, विविध रूप किसके होते हैं? तो यहां पर हमारा उत्तर आ जाएगा नार्या, उत्तर नार्या। ठीक है, एक शब्द उत्तर कश्या विविध रूपाणी सन्ति, तो नार्या विविध रूपाणी सन्ति। अगला है प्रश्न संख्या दो, क्या कहता है? कासाम संख्या, कासाम संख्या, कासाम संख्या पुरुषेभ्य, पुरुषेभ्य न्यूनतरा अस्ति, न्यूनतरा अस्ति। किनकी संख्या जो है पुरुषों से न्यून है? तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रश्न संख्या दो, तो स्त्री नाम, स्त्री नाम संख्या न्यूनतरा पुरुषेभ्य न्यूनतरा अस्ति। प्रश्न संख्या तीन, क्या कहता है? का शिक्षा या वंचिता अस्ति, का शिक्षा या, का शिक्षा या वंचिता, वंचिता अस्ति। उत्तर, आज जो है शिक्षा से वंचित कौन है? पुत्री शिक्षाया वंचिता अस्ति। अगला है हमारा का सम्मान्य अस्ति, प्रश्न संख्या चार, का सम्मान्य सम्मानिया अस्ति, कौन सम्माननीय है? तो क्या जाएगा इसके अंदर? नारी, उत्तर नारी सम्माननीय अस्ति, नारी। कश्या विविध रूपाणि सन्ति, किसके विविध रूप होते हैं? नारिया। कासाम संख्या पुरुषेभ्य न्यूनतरा अस्ति, किनकी संख्या पुरुषों से कम होती है? कम है, स्त्री नाम। का शिक्षाया वंचिता अस्ति, पुत्री, कौन शिक्षा से वंचित है? का सम्माननीय अस्ति, नारी। क्योंकि हमारा पाठ जो है क्रिया पुत्री पुत्री पर आधारित है, इसलिए सभी के उत्तर जो है स्त्रियों पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्य उत्तर, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। पहला है नारी कासाम रक्षिका कासाम रक्षिका अस्ति, कासाम रक्षिका अस्ति। नारी जो है किसकी रक्षा करने वाली होती है? तो इसका उत्तर आ जाएगा नारी
नारी संस्कृते संस्कृते परंपराणां च परंपराणां च रक्षिका रक्षिका अस्ति। नारी संस्कृति भारतीय संस्कृति की और परंपराओं की रक्षा करने वाली होती है। प्रश्न संख्या दो, जना पुत्रियाः विषये विषये किं चिन्तयन्ति चिन्तयन्ति जनाः पुत्रियाः विषये किं चिन्तयति। लोग जो हैं पुत्री के विषय में क्या सोचते हैं। तो कहता है जनाः जनाः पुत्रीं परधनम् पुत्रीं परधनम् परिवाराय च परिवाराय च भारम अवगच्छन्ति भारम अवगच्छन्ति। जनः पुत्रीं परधनं परिवाराय च भारम अवगच्छन्ति। लोग जो हैं पुत्री को पराया धन समझते हैं और परिवार के लिए बोझ मानते हैं अर्थात बोझ समझते हैं। अगला है हमारा प्रश्न संख्या तीन, कहता है अद्य महिला केषु विषयेषु स्व प्रतिभां प्रदर्शयन्ति। महिला केषु आज महिलाएं केषु विषयेषु विषयेषु स्व प्रतिभां स्व प्रतिभां प्रदर्शयन्ति प्रदर्शयन्ति। आज महिलाएं जो हैं किन विषयों में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। कहता है कि शिक्षिता महिला शिक्षिता महिला अद्य न केवलम अद्य न केवलम साहित्य संगीत साहित्य संगीत नृत्य अभिनय नृत्य अभिनय नृत्य अभिनय कलादिषु कलादिषु विषयेषु
विषयेषु अपि तु चिकित्सा विज्ञान चिकित्सा विज्ञान राजनीति राजनीति सैन्य आदिषु सैन्यादिषु क्षेत्रेषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभां स्वप्रतिभां प्रदर्शयन्ति प्रदर्शयन्ति अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कहता है अस्माकं राष्ट्रं कथम उन्नतं शिक्षितं प्रगतिशीलं च भविष्यति अस्माकं राष्ट्रं कथम अस्माकं राष्ट्रं कथम उन्नतं उन्नतं शिक्षितं उन्नतं शिक्षितं प्रगतिशीलं च प्रगतिशीलं च भविष्यति अस्माकं राष्ट्रं कथं उन्नतं शिक्षितं प्रगतिशीलं च भविष्यति तो कहता है कि यदि यदि देशस्य महिला यदि देशस्य महिला स्वस्था स्वस्था शिक्षिता शिक्षिता प्रगतिशीला च सन्ति प्रगतिशीला च सन्ति तर्हि अस्माकं राष्ट्रं अस्माकं राष्ट्रं अपि उन्नतं शिक्षितं प्रगतिशीलं च भविष्यति राष्ट्रं अपि उन्नतं उन्नतं शिक्षितं शिक्षितं प्रगतिशीलं प्रगतिशीलं च भविष्यति अगला है प्रश्न संख्या 5 प्रश्न संख्या 5 यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र
सन 5 यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र का रमन्ते। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते। यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। ठीक है, ये था हमारा पूर्ण वाक्य के प्रसंग। धन्यवाद।